hello everyone welcome to the layman way where we are completing fundamentals of physical geography and this lecture is a part of my two months geography course program to help you one step closer to your goal and guys this program is all free so don't forget to smash that like button subscribe and also turn on the notifications all right if you want to view our full course you can always click on the i button in the top right corner and view our full playlist and guys if you are following this program do not forget to leave a comment down below अबाउट यूर प्रोग्रेस इन दर्स गाइज सो देट वी कैन मोटी तो आज बेसिकली हमने आ, आ, बोला था कि आज हम क्या करेंगे कि आज हम डिफरेंट डिफरेंट इसके टर्म्स पढ़ेंगे कि जो लाइन स्टोन टोपोग्राफी होती है उससे कौन कौन से टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इसमें टर्म्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं इससे है ना तो पहला टर्म हमने देखा था पिछले में कि ये एक होल्ड बना देते हैं ठीक है जब पानी आता है है ना वो एक होल कर देता है इस पेवमेंट में लाइम के पेवमेंट में ठीक है क्योंकि ये डिजोल्व कर देता है यहाँ के रॉक को और फिर वो नीचे जाने लगता है ठीक है तो इसी को हम बोलते हैं क्या सोलो होल ठीक है ये हैं अपने सोलो होल्स ठीक है अब अगर हम सोलो होल्स को थोड़ा इंटीरियर से देखें तो ये देखो तो ये रिवर की स्ट्रीम आई इसने यहाँ गड्ढा क्रिएट किया और फिर ये नीचे चलती चली गई ठीक है और जब ये नीचे जाती है ना तो ये नीचे जाके केव टाइप स्ट्रक्चर बना देती है ये देखो केव्स बनाती है बेसिकली सोलो होल से जब पानी नीचे गिरता है जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था है ना वो पानी नीचे जाते जाते अपना पाथ फाइंड करते करते एक केव स्ट्रक्चर बनाता है नीचे जो कि हम आ, 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 आगे पढ़ेंगे है ना फिर देखेंगे वो केव्स में कुछ कुछ टर्म्स होते हैं कि वो केव्स में जो टर्म्स होते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं ठीक है तो अभी बस इतना पढ़ोगे ये सोलो होल है सोलो होल से पानी नीचे गया और पानी नीचे जाने से उसने एक केव टाइप का स्ट्रक्चर अंदर बना दिया है ठीक है उसके बाद हमने क्या पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था कि यार देखो ये अगर लाइनसोन का पेमेंट है तो इसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे पानी इसको डिज़ोल्व करने लगता है और ये डिप्रेशंस बनने लगते हैं जिसको हमने बोला था गर्ग्स है ना ये डिप्रेशंस बीच में टूटने लगता है जहाँ से रॉक उसको बोलते हैं गर्ग्स और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं क्लिंट है ना उसको हम बोल देते हैं क्या क्लिंट करेक्ट अब क्या होता है यही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा एक अगर रिवर यहाँ से आई और यहाँ पे हमारा सोलो होल है तो वो तो नीचे घुस जाएगी तो रिवर है ना फिर कहीं से बीच में अपना पाथ फाइंड करते करते नीचे से फिर से री मर्ज होगी ठीक है तो जनरली क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं कि लाइन स्टोन वाले रीजन्स में रिवर आती हैं और वो कहीं पर भी गायब हो जाती हैं मतलब एक पॉइंट पर वो गायब हो जाती हैं और फिर कहीं और से निकलती हैं इस टाइप का बोलते हैं हम लोग ठीक है फिर हमने ये देखा था कि यार जब ये सोलो होल्स जो हैं ये थोड़े बड़े हो जाते हैं है ना जुड़ जोड़ के तो उसको हम क्या बोलते हैं डोलिन देखा था ना उसको हम क्या बोलते हैं डोलिन ठीक है वो ये है डोलिन बड़े होल हो गए ये दोनों मिल गए और ये बड़ा होल बन गया उसको हमने बोल दिया डोलिन ठीक है उसके बाद उसके बाद जब ये यू you नो know, बहुत ज़्यादा रोड हो जाता है जब ये गर्ग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो एक वैली टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं इस टाइप का वैली टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं है, है ना इस ये इसको बोल देते हैं कि ये कोलैप्स हो गया बेसिकली गॉर्ज बोल देते हैं इसका नाम क्या है ये ये है क्या गॉर्ज दिस इज़ कॉल्ड गॉर्ज ठीक है तो ये हो गया ठीक है तो बस यही मेन इसमें यू नो मेन जो है वो यही इसमें वर्ड्स uh, हैं ठीक है इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो ये जो मैंने पीछे बताया था ना आपको ये केव स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसको हम थोड़ा क्या करते हैं हम जूम कर देते हैं कि ये केव में बनता क्या है क्या क्या होता है केव में ठीक है तो केव में क्या होता है कि जैसे ये देखो तो ये ऊपर लाइमस्टोन का रीजन है ठीक है यहाँ से पानी आ रहा होता है ठीक है और ये पानी धीरे धीरे यहाँ से ना ड्रॉप करने लगता है धीरे 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 ड्रॉप करने लगता है ठीक है तो ये ड्रॉप करने की वजह से क्या होता है अच्छा जो पानी रहता है वो क्या है बेसिकली उसमें कैल्साइट है है ना कैल्शियम कार्बोनेट है वो, वो कार्बोनिक एसिड जो है वो लाइनसोन से रिएक्ट करता है तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट पूरा वो अपने में ले लेता है है ना तो बेसिकली ये जो ड्रॉप हो रहा है पानी इसमें है कैल्साइट तो ये पानी जब ड्रॉप होता है ना तो ये ऐसे पिलर टाइप स्ट्रक्चर बना देता है ऐसे करके फिर वो नीचे गिरता है तो ऐसे बना देता है अब ये आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे बनाता है ठीक है फिर ये जब दोनों जुड़ जाते हैं तो ये एक पिलर बना देता है ये जब दोनों जुड़ जाते हैं ये एक पिलर बना देता है ठीक है <coughs> तो ये जो है इसको हम बोलते हैं जो ऊपर से लटक रहा होता है स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं स्टेलेग और ये जो नीचे से ऊपर बनता है उसको हम बोलते हैं स्टेलेग तो इसको कैसे याद कर सकते हो इसको ऐसे याद कर रखो कि जो जी है जो ग्राउंड पर है ठीक है जिसमें जी है वो ग्राउंड से बनेगा ठीक है स्टैलेग में जी है तो वो ग्राउंड से बनेगा और बाकी जो दूसरा है वो क्या है स्टेलेग ठीक है और फिर ये कभी कभार क्या होता है कि ये जो पानी है ना वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है ठीक है तो वो एक लेक टाइप स्ट्रक्चर बना देता है अंदर ही ठीक है जिसको ये लोग रिबन लेक बोलते हैं सॉरी रिबन लेक बोल रहा हूँ ये एक स्ट्रीम से मतलब पानी सा बन जाता है कुछ मिला के एक लेक बन जाता है कुछ बोलते नहीं है इसको बस ये एक लेक सा बन जाता है वो ग्लेशियर याद आ गया तो ये एक लेक सा बन जाता है ठीक है यहाँ पर डिपॉजिट होने के बाद बस स्केप में दो ही चीज़ें याद रखी स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्माइट ठीक है और ये एक जो पिलर बन जाता है कैल्साइट का कैल्शियम कार्बोनेट का जिसको हम बोलते हैं पिलर ठीक है अभी आगे वो देखते हैं आ, ये सब वही है नॉर्मल है अभी आगे देख लेंगे इसमें क्या क्या बोल रहा है ये स्टैलेक्टाइट जो होते हैं वो शार्प होते हैं स्लेंडर होते हैं डाउनवर्ड होते हैं ठीक है ग्रोइंग पे होते हैं हैंगिंग फ्रॉम द रूफ होते हैं ये सब इसके फीचर हैं ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं ये तो हमने देख ही लिया फिर जो सेलिंग माइट्स होते हैं ठीक है ये ऊपर से पानी गिरने की वजह से बनते हैं तो ये थोड़े वाइड से रहते हैं और शॉर्टर रहते हैं और फैटर रहते हैं और मोर राउंडेड रहते हैं ठीक है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं पिलर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो वीडियो देख ही लेते हैं तो क्या है कि देखो अब ये ऐसे गिरता है पानी ऊपर से ये पानी ऊपर से गिर रहा है ठीक है ये पानी के ऊपर के गिरने की वजह से ये जब भी पानी ड्रॉप का ड्रॉप गिरता है ना तो ये अपने साइड साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको यहाँ छोड़ के जाता है इधर छोड़ के जाता है इधर तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैल्शियम कार्बोनेट कलेक्ट होने लगता है ऐसे इस टाइप के पिलर टाइप स्ट्रक्चर में समझ रहे हो पानी गिर रहा है इधर से और अपना कैल्शियम कार्बोनेट इधर छोड़ के जा रहा है ठीक है तो ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ़ ईयर्स ये रूफ है ये लाइमसोन की रूफ है यहाँ से पानी गिर रहा है ठीक है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ये ऐसे ड्रॉप करते करते एक ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स बना देता है इसको हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट्स दीज आर कॉल्ड स्टेलेक्टाइट दिस इज़ अ स्टेलेक्टाइट जो ऊपर रूफ से लटक रहा है नीचे अब आप देखोगे कि ये जो रूफ़ से स्ट्रक्चर लटक रहा है ये बहुत ही क्या है पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर है ये देखो ऐसे पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर है ना ठीक है ना पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये ठीक है पॉइंटेड क्यों है क्योंकि ऊपर से गिर रहा है पानी फिर जब ये ऊपर से नीचे पानी गिरता है ठीक है तो अब ऊपर थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ के आया तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया उसने फिर नीचे जो है ये देखो राउंडेड स्ट्रक्चर है नीचे जो बन रहा है यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट अपना कलेक्ट हो रहा है धीरे धीरे ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट कलेक्ट हो रहा है और नीचे कलेक्ट होते होते ये भी एक ऐसा बना देता है शॉर्टर बोला था ना शॉर्टर फैटर मोर राउंडेड है ना शॉर्टर फैटर और मोर राउंडेड से स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टैलेक्ट और ये स्टैलेग और स्टैलेक ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो ये कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इसको क्या बोलते हैं पिलर कैल्साइड पिलर दिस इज कॉल्ड कैल्साइड पिलर तो बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड ई ईयर्स क्या हुआ होगा यहाँ से पानी गिर रहा होगा नीचे ठीक है इसने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया होगा स्टाइल बनाया होगा और नीचे से ये ऐसे बिल्डअप हो रहा होगा कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस टाइप से ठीक है जैसे ये देखो ये है ना ये है इस टाइप का स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा होगा और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों आपस में मिल गए होंगे और इसने एक क्या बना दिया एक सॉलिड पिलर बना दिया ठीक है तो ये जो पिलर है इसको हम बोल देते हैं कैलसाइट पिलर ये क्या है कैलसाइट का पिलर है ठीक है दिस इज द पिलर ऑफ़ कैलसाइट कैल्शियम कार्बोनेट का तो यही है केव टोपोग्राफी पास है ना आई गेस समझ में आ गया होगा विजुअल से भी नहीं समझ में आया तो एक और बार वीडियो देखो बहुत ही अच्छा वीडियो है और समझ में आई थिंक आ ही जाएगा और हम देखते हैं कि ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये मिलते कहाँ हैं तो मोस्टली जो चौक लैंडफाम्स होते हैं ये आपको मेडिटेरियन रीजनस के अराउंड मिलेंगे जो मेडिटेरियन सी है जैसे इटली वगैरह वहाँ पे लाइमस्टोन बहुत मिलता है ठीक है तो जब वहाँ पे यू you नो know, बारिश होती है तो वहाँ पे ये इस टाइप का लैंडफाम देखने को मिलता है केव टोपोग्राफी और लाइम स्टोन टेपोग्राफी ठीक है तो ये नॉर्थ वेस्ट यूगोस्लाविया में योगशायर में डेबरी शायर में, में यहाँ सब लाइम स्टोन मिलता है तो इधर ही ये आपको जो है ये टोपोग्राफी मिलेगी है न उसके बाद यू नो जहाँ पे भी लाइमस्टोन होता है वहाँ पे आपको लेड भी मिलता है साथ में और जो लेड होता है वो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है ठीक है तो ये इसका एक एप्लीकेशन है फिर आगे बढ़ें अगर हम देखें तो लाइम के बाद एक और आता है जो उसको बोलते हैं चौक टोपोग्राफी ठीक है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस ऐसे देख लो क्या रहता है चा चौक तो बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो चॉक टोपोग्राफी होती है उसमें कोई सरफेस ड्रेनेज नहीं होता है जैसे हमने देखा था लाइमस्टोन में क्या होता था सोलो होल बन जाता था वहाँ से अंदर चला जाता था पानी ठीक है और फिर रिवर्स जो हैं जो भी स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपियर हो जाती थी फिर नीचे से रिसर्जन करती थी रिसर्जेंस होता था तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है ठीक है यहाँ पे बस ए, कोई सरफेस ड्रेनेज नहीं होता है कोई वैलीज नहीं बनती हैं क्योंकि वो डिज़ोल्व ही नहीं करता है चौक डजेंट डिज़ोल्व इन रेन वाटर ठीक है तो जो टोपोग्राफी चौक से बनती है ना उसको हम बोलते हैं कूम्स ठीक है कूम्स क्या बोलते हैं कूम्स ठीक है ये ड्राई टाइप का टोपोग्राफी रहता है है ना और ये ये देखो ये है चौक फॉर्म ये इस टाइप का हिल टाइप स्ट्रक्चर बनता है ठीक है ऐसा कुछ ये सोलो होल और केव वग़ैरह ये सब आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे ठीक है तो ये छोटे छोटे राउंडेड हिल्स बन मतलब हिल्स बन जाते हैं छोटे छोटे ठीक है इसको जो जो हिल्स बनते हैं इसको बोलते हैं डाउनस ठीक है सोलो होल्स एंड अंडरग्राउंड केव नेटवर्क डू नॉट जनरली डेवलप बिकॉज ऑफ फ्राइबल नेचर ऑफ द रॉक ठीक है तो ये बेसिकली क्या है पानी को अलाउ नहीं करता अपने से पास होने में चौक ठीक है इस वजह से ये सोलो होल्स इसमें बनते नहीं हैं ठीक है और जो अंडरग्राउंड केव वाला नेटवर्क है वो भी इसमें नहीं बनता है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं चौक टोपोग्राफी मेन जो है वो कास्ट व टोपोग्राफी ही है लैंडफॉर्म वाली वही आप पढ़िए उसी पर ध्यान दीजिए उसके टर्म्स को याद करिए है, है ना तो अगले लेक्चर में हम लेक्स से स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे लेक्स कैसे बनते हैं है, है ना और नया लैंडफॉर्म है वो भी चौक यहाँ पे सॉरी लाइमस्टोन वाला टोपोग्राफी आज खत्म हो गया यहाँ पे तो चलिए अगले लेक्चर में तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट को पढ़ेंगे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अपनी क्वेरीज़ आप हमको क्वेरीज़ एट द रेट लेमैन वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे और पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए है ना अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू बाय बाय टेक केयर